वंदे मातरम मित्रों, मैं संजय ठाकुर। एक्चुअली ये जानकी रमन ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो विजन है हमारा और जो मिशन है ये काफ़ी डीप रूटेड है। तो जानकी जो नाम देखते हैं तो जनक राजा की जो नंदिनी है, जनक राजा जब हल जोतते थे खेत में उस वक्त एक मटका निकला था और उसमें से जनक नंदिनी का जन्म हुआ जिसे जानकी नाम दिया गया है। तो जानकी बेसिकली सीता माता का नाम दिया है हम देखेंगे। तो प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है ये स्पिरिचुअली बेस है। तो जैसे जनक राजा की नंदिनी जानकी है तो हमने उसी वक्त उनको राम को भी जोड़ दिया, जानकी रमण राम। तो इसमें हमने किया क्या कि जैसे ऑलरेडी हमारा सीड्स में हमारा रिसर्च बेस काम है कि कौन से एरिया में, कौन से रीजन में, कौन से सॉइल में कौन सा ऑयल सीड दी बेस्ट क्वालिटी का आ सकता है और उसमें उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका कलर ये मेंटेन हो सकता है। इसका स्टडी हमको बेसिकली काफ़ी 15 ईयर से है। तो इसी का बेनिफिट लेते हुए आम जो पब्लिक है उन तक अच्छा स्वाद भरा, वही पुराना स्वाद, वही पुराना कलर, वही पुराना उसका टेस्ट हम लोगों तक पहुंचाना है तो फिर हमको फूड डिपार्टमेंट चालू करना ज़रूरी था। यही एक मोटिव सामने रखते हुए हमने जानकी रमन ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की। तो एक बेसिकली हमने बड़ा एम्प्लॉयमेंट का भी कार्य इसमें दिया है। हमारा मेन पार्ट था कि नेचर से जुड़ा रहे और जो हमारा जो परंपरागत सीड्स है, ट्रेडिशनल सीड्स है, वो मेंटेन रहे, वो कहीं लुप्त ना हो, देन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। और जो हमारे दादा नाना नानी बोला करते थे कि रसोई घर या औषधालय हुआ करता है, तो उस समय क्या होता था कि जब दादा नाना नानी हम देखे कि उनको बोलो कि हमें कुछ तकलीफ हो गई तो उस समय वो काढ़ा वाड़ा बना के देते थे। किस चीज़ का देते थे? हल्दी का, अदरक का। तो ये रसोई घर से औषध मिलती थी हमारे। तो जब से हमने वो रसोई घर को औषधालय से मसाधालय में कन्वर्ट कर दिया तब से हम बीमार होना शुरू हो गए। तो हमारा स्वास्थ्य जो हमारे हाथ में है तो फूड इज द मेडिसिन। दूसरी बात रहती कि जो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आते हैं आप देखेंगे कि ये आने के बाद में 10 से 15 मिनट सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ये ऐसा बोला गया है, हमारे बुजुर्गों ने जो बोला है ये परफेक्ट लाइन है।